आज मैं आपको मेरी जैसा प्रो प्रो थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, लाइक ऐसा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कैसे आपको प्रो थंबनेल बनाना है, वो भी अपने एंड्रॉइड फोन से। देखो, अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो देखने के बाद आप एक प्रो थंबनेल मेकर बन जाओगे। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आया तो मैं अपने कान काट के कुत्ता का नाम पे दे दूंगा। लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कैसे आपको क्या करना होगा, कैसे आपको कलर ग्रेडिंग करना होगा, कैसे क्या करना होगा, सारे चीज, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। मतलब पूरा चीज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। एंड दोस्तों, आज मैं आपको 5 एप्लीकेशन से एडिटिंग करना सिखाऊंगा जो कि मैं खुद करता हूँ, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन से क्या काम होता है वो आपको आगे पता चलेगा। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, 2 सरप्राइज, जिससे गाइज आप लोग अपने थंबनेल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हो एक चुटकियों में। जो चीज आज मैं आपको देने वाला हूँ सरप्राइज, वो गाइज आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा। आपको पैसा देना होगा, उसके बाद ही आपको देगा, लेकिन आपका भाई आपको फ्री में देगा। तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल फोटो क्लिक करना होगा। जैसे आप लोगों ने मेरी थंबनेल के ऊपर देखा होगा, मैं अपने फोटो को ऐड करता हूँ मेरी थंबनेल के अंदर एक साइड में। दोस्तों, एक नॉर्मल फोटो क्लिक करने के बाद उस फोटो को डायरेक्टली कट करके अपने थंबनेल पे ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका थंबनेल भाई पूरा नूब नूब लगेगा, पूरा बेकार लगेगा, जैसे मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ। तो गाइस, अगर आपको ऐसा करना है तो आपके पास 3 एप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले लाइटरूम, देन यहाँ पे हमारा स्नैपसीड, देन यहाँ पे एडोबी एक्सप्रेस, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन को यूज करके इस नॉर्मल फोटो को हम लोग प्रो फोटो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइटरूम से अपने फोटो को कलर ग्रेडिंग करेंगे। मैं अपने नॉर्मल फोटो को लाइटरूम पे इंपोर्ट कर लिया और आपको कुछ इस तरीके से फोटो को क्लिक करना होगा। और गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग फोटो को क्लिक करोगे उस टाइम देखना जहाँ पे रोशनी अच्छा होगा वहाँ पे करना, या फिर रूम पे अगर करोगे तो आपको लाइट वगैरह ऑन करके फोटो को क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा एक प्रीसेट है, जो प्रीसेट मैं यूज करता हूँ वो वाला प्रीसेट आपको कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये वाला प्रीसेट मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया। ऊपर एक यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी सेटिंग्स, बस इसको आप लोग कॉपी कर लेना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, ऊपर एक 3 डॉट के ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना, देन यहाँ पे देखो नीचे लिखा है पेस्ट सेटिंग्स, बस गाइज वहां से आप लोग कॉपी किया, जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो पेस्ट करने के बाद फोटो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट गाइज यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे कलर आ चुका है, यहाँ पे हमको इसको कंट्रोल पे जाके हमको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो एडिट का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ लाइक ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे क्लिक करके। तो लाइट के ऊपर जाने के बाद बहुत सारे यहाँ पे देखो ऑप्शन आ चुका है। अगर आपका फेस के अंदर ज्यादा लाइट है तो आपको कम करना होगा, अगर कम लाइट है तो आपको ज्यादा करना होगा। तो मेरा फेस के अंदर ठीक ठाक लाइट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अप्रोक्स 20 के आसपास मैंने यहाँ पे रख दूंगा। बस नीचे देखो लिखा है ब्लैक्स, इसको हम यहाँ पे कम करेंगे। तो आपको इसको कम करना होगा, जितना हो सके आपको यहाँ पे कम करना, जितना आप लोग कम करोगे उतना फोटो आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं इसको 50 कर दूंगा। देन यहाँ पे और कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको यहाँ पे एक्सपोजर को इंक्रीज करना होगा एंड ब्लैक्स को आपको यहाँ पे कम करना होगा। देखो लाइट के नीचे एक ऑप्शन है कलर, इसके ऊपर जाके यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन मेरे जो पिंक कलर है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे अप्रोक्स, इसको हम यहाँ पे 10 यहाँ पे रख देंगे एंड सो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। बस ये सब आप लोग कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो अपने फोटो का एडजस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग ये सब मत करो। बस गाइस, जो मैंने प्रीसेट में आपको दूंगा वो वाला प्रीसेट आपको कॉपी करके जस्ट पेस्ट करना एंड थोड़ा सा सेटिंग्स आपको यहाँ पे कम ज्यादा आपको करना होगा। बस गाइस, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर देखो एंड देखो यहाँ पे आफ्टर देखो। आपको क्या करना होगा, शेयर के ऊपर क्लिक करके सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। ओके दोस्तों, लाइटरूम का काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो फोटो रहेगा उस फोटो के अंदर जो आपका फेस रहेगा उस फेस को आपको स्मूथ करना होगा। अगर आप लोग स्मूथ करोगे आपका फेस और भी ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में और आपका जो थंबनेल और भी ज्यादा क्लिकबेट रहेगा, क्लिकबेट अट्रैक्टिव। तो आपको क्या करना होगा, अपने फेस को स्मूथ करना होगा जैसे मैं अपने फेस को स्मूथ करता हूँ। तो स्मूथ करने के लिए गाइस आपको स्नैपसीड यूज करना है। दोस्तों, ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले अपने फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना एंड इंपोर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिल वाला। तो यहाँ पे टच जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा टूल्स आ जाएगा। तो आपको कुछ भी टूल्स पे यहाँ पे टच नहीं करना है, जो फेस स्मूथ करने वाला टूल से जो प्रोटेट बोल के लिखा है यहाँ पे आप लोग देखो इसके ऊपर आपको टच करना होगा। इसके ऊपर आप लोग जब टच करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे देखो फिल्टर रिकमेंड कर दिया। तो आपको यहाँ पे जो भी फिल्टर ये ऐप रिकमेंड करेगा वहां से अपने फेस को स्मूथ करना है। तो देखो यहाँ पे जो कॉम्बो 1 लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके देन देखो नीचे 3 ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, 3 ऑप्शंस। तो बीच वाला जो एडजस्ट वाला है इसके ऊपर क्लिक करके देन 2 नंबर पे देखो लिखा है स्किन स्मूथिंग, तो 20% है यहाँ पे प्लस। तो आप लोग क्या करना, इसको 100% कर देना एंड सो देखो मेरी फेस कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग अपने फेस को स्मूथ करना। तो मुझे इतना ही स्मूथ चाहिए। तो गाइस अभी मैं क्या करूंगा, इस फोटो को
सेव करूंगा। सेव करने का सिंपल प्रोसेस, यहाँ पे देखो तीन नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सीआर पे क्लिक कर सकते हो या फिर सेव पे आप लोग क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मेरी फोटो सेव हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो फोटो, इस फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, मतलब पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एडोबी एक्सप्रेस। इस एप्लीकेशन से आप लोग फ्री में एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, वो भी एचडी फुल एचडी। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे अगर आप लोग किसी भी आर एप्लीकेशन को यूज करोगे बैकग्राउंड रिमूव वाला, तो आपको पैसा पे करना होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन से आप लोग फ्री में एचडी क्वालिटी में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ऐप को ओपन करने से पहले सबसे पहले अपने जो फोन का जो डेटा है उसको आपको यहाँ पे ऑन करना होगा। देन ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्लस वाला एक ब्लैक कलर का। तो आपको ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड सो सबसे पहले देखो लिखा है रिमूव बैकग्राउंड, सबसे पहले तो आपको इस टूल के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना जो फोटो है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। मैं अपने फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मेरी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखो लोडिंग होना शुरू हो गया। तो अभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कितना बेहतरीन तरीके से ये एप्लीकेशन अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो गाइज अभी आपको क्या करना होगा, नीचे सेव की ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके ये पीएनजी को आपको सेव करना होगा। देखो यार मेरी पीएनजी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। फाइनली हमारा फोटो का काम खत्म, मतलब हमारा 30% काम कंप्लीट हो गया। अभी हमको और भी 70% काम करना होगा। तो गाइस अगर आपको मेरे जैसा थंबनेल बनाना है, पूरा अट्रैक्टिव, पूरा क्लिकबेट, पूरा कैचेबल, तो आपके पास तीन एप्लीकेशन होना चाहिए जो मैं खुद यूज करता हूँ। सबसे पहले एडोबी फोटोशॉप सीसी, देन पिक्सेल लैब, देन लाइटरूम। इन तीनों एप्लीकेशन को यूज करके आप लोग एकदम पूरा प्रोफेशनल थंबनेल बना पाओगे, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो गाइस सबसे पहले फोटोशॉप से मैं अपने थंबनेल का बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। देन उसी बैकग्राउंड को हम पिक्सेल लैब में लेकर जाके वहां पे थंबनेल को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे, चाहे टेक्स्ट हो चाहे सब कुछ वहां पे कंप्लीट करेंगे टोटल। देन उसी थंबनेल को हम लोग लाइटरूम पे लेकर आके वहां पे प्रीसेट लगा के उसी थंबनेल को और भी ज्यादा यहां पे हाई क्वालिटी बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडोबी फोटोशॉप से हमारा बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे एक प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे चार नंबर पे ऑप्शन आएगा ब्लैक डॉक्यूमेंट करके, इसके ऊपर आपको टच करना होगा। देन यहाँ पे थंबनेल का साइज डालना होगा 2047, नीचे डालना होगा 1152। ये साइज आपको डालना होगा अपने थंबनेल के लिए। तो ये डालने के बाद यहाँ पे साइड में ओके आएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। सो देखो मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है एक बैकग्राउंड जिसपे कोई भी कलर वलर नहीं है, तो यहाँ पे हमको कलर डालना होगा। तो गाइज मुझे लगता है ये एप्लीकेशन आप लोगों को काफी ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, काफी इजी एप्लीकेशन इस वीडियो देखो आपको सीखने को मिल जाएगा एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहाँ पे मुझे कलर डालना है। सबसे पहले कलर कैसे डालोगे, ऊपर देखो चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन के लास्ट में जो यहाँ पे एंड वाला है इस पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे फील्ड एंड स्ट्रोक इस पे आपको टच करना होगा। देन टच करने के बाद कलर्स आ जाएगा। तो कलर में जाके यहाँ पे बहुत सारा कलर है, बहुत सारा रेड ब्लू, यहाँ पे बहुत सारा कलर है, आप लोग सेट कर सकते हो। तो मैं पर्पल कलर को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। एंड नीचे आपको मिलेगा ASSB, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड का यहाँ पे ब्राइटनेस है उसको आप लोग 30 करना होगा। तो देखो यार मेरी जो बैकग्राउंड यहाँ पे बन चुका है डार्क, यहाँ पे मेरी पिंक कलर, ठीक है। तो होने के बाद अभी हमको क्या करना होगा, लेयर डालना होगा इसके ऊपर, फेड लेयर, मतलब साइड बाय साइड साइड से हम लगाएंगे ताकि थंबनेल देखने और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये बैकग्राउंड, तो ये जो साइड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन, यहाँ पे टच करना होगा, ठीक है, यहाँ पे टच करना होगा। देन यहाँ पे एम्प्टी लेयर, फोटो लेयर के नीचे एम्प्टी लेयर, आपको एक एम्प्टी लेयर बनाना होगा, जो कि देखो यहाँ पे मेरा बन चुका है एम्प्टी लेयर। सो देखो ये मेरी बैकग्राउंड एंड ये मेरी एक एम्प्टी लेयर। तो यहाँ पे हमको कलर डालना होगा। फिर से आप लोग यहाँ पे क्लिक करो ऊपर वाला चार नंबर की चार नंबर पे, ठीक है, आपको यहाँ पे फिर से फिल एंड स्ट्रोक डालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपने कलर का जो ब्राइटनेस जो होता है ना उसको यहाँ पे हाई करना होगा। तो देखो मेरे पास दो बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है, मतलब दो बैकग्राउंड मेरे पास हो चुका है। ये दो बैकग्राउंड जो ऊपर वाला कलर है, ठीक है, इसको हम फेड बनाएंगे। तो फेड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा एंड का, इसके ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पे लास्ट में मिलेगा फेड का ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इसके ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे बहुत सारा आपके पास फेड आ जाएगा, गोल कर दूंगा एकदम पूरा सर्कल बना दूंगा अच्छे से। तो इस पे आप लोगों को फिर से आना होगा ऊपर वाला। देन आने के बाद एफएक्स में जाके ये जो गॉसियन वेलर बेसिक में, ठीक है, बेसिक में देखो गॉसियन वेलर, इसको आपको यहाँ पे फुल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे तीन चार बार करूंगा ऐसे करके, तो आपको भी ऐसे करके करना होगा ताकि ये जो फेड पूरा चारों तरफ फैल जाए। ये जो फेड इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे इस साइड पे। तो उसको लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फेड के ऊपर आना होगा, मतलब लेयर के ऊपर। देन फेड से एंड के ऊपर आके यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग क्या करो, इसको यहाँ पे साइड में लेकर आओ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो एम्प्टी लेयर मतलब फेड, इसको आपको डुप्लीकेट करना होगा। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, देन यहाँ पे एम्प्टी लेयर के नीचे डुप्लीकेट, बस देखो कलर और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ये जो ऊपर वाला, मतलब एक एक करके आप लोगों को तीनों कोना में आप लोगों को लगाना होगा ताकि देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। तो फिर से आप लोग यहाँ पे क्लिक करो, देन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ, फ्लिप एक्स पे क्लिक करके इसको आपको यहाँ पे लगाना होगा।
होगा। बस मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बस मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। उसके बाद और एक मेरे पास लेयर था, ठीक है, नीचे वाला, ये वाला देखो, दो दो है सेम सेम। किसी भी आप लोग एक पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करके इसको फ्लिप वाई कर दो। देन वाई करने के बाद इसको आपको क्या करना होगा, नीचे लगाना होगा, ऐसे करके नीचे लगा दो। देन अभी आपको क्या करना होगा, फिर से ऊपर जाना होगा, सबसे ऊपर आके यहाँ पे सारी चीजों को मर्ज करना होगा। तो मर्ज कैसे करोगे, तो यहाँ पे ऊपर आके ये जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करो, देन डिलीट की बगल में ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, देन मर्ज डाउन। बस तीन बार करो, देखो यार मेरी सारे जो लेयर है ये एक साथ हो चुका है, मतलब एक लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, अभी अपना जो पीएनजी है उस पीएनजी को आपको यहाँ पे लगाना होगा इस साइड पे। तो यहाँ पे मैं अपने PNG को लेकर आया, तो मैं क्या करूंगा इसको फ्लिप कर दूंगा, ठीक है, फ्लिप एक्स कर दूंगा, इस साइड पे हो जाएगा। सो गाइस अभी आपको क्या करना होगा, ये जो PNG आपने यहाँ पे ऐड किया इसको डुप्लीकेट करना होगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो प्लस वाला छोटी वाला आइकन है इसके ऊपर टच करके यहाँ पे देखो तीन नंबर पे एम्प्टी लेयर के नीचे डुप्लीकेट, इसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट हो गया। देन नीचे वाला लेयर पे आके जो सबसे पहले ऊपर लेयर है, ठीक है, वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जो नीचे नया लेयर है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो नीचे वाला लेयर पे आके आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो रूल वाला ऑप्शन से सबसे पहले आप लोग देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल करके ऑप्शन से इसके ऊपर क्लिक करो। देखो यार मेरे जो पीएनजी है ये चारों तरफ सर्कल बन चुका है। तो ये होने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कलर डालना होगा। तो कलर कैसे डालोगे, तो सिंपल सा प्रोसेस, एंड पे क्लिक करो, फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करो, देन यहाँ पे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लो। तो देखो अभी आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पे टच करना होगा एक, तो अभी हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लेकर आएंगे। बस देन लास्ट काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डालना होगा एम्प्टी लेयर, ठीक है, आपको एम्प्टी लेयर आपको होगा यहाँ से, मतलब फिर से प्ले आइकन पे क्लिक करो, देन एम्प्टी लेयर तो हो चुका है मेरी, और एक लेयर ये वाला जो साइज है, ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये वाला साइज, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ये वाला साइज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हाथ से ड्रैग करके कुछ ऐसे करके ऐसे लगा देना। बस करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कलर डालना होगा, तो कलर क्या डालोगे, व्हाइट। तो यह मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो राइट करने के बाद ये जो व्हाइट है ये हम नीचे लेकर आएंगे। बनाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे इधर लेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन ये जो चीज मैंने बनाया अभी इसको हम यहाँ पे ओवरले करेंगे। ओवरले कैसे करोगे, देन यहाँ पे क्लिक करो, ये जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे देखो ब्लैड मोड, इस पे क्लिक करके देखो यहाँ पे ओवरले आएगा, ओवरले पे क्लिक करो। तो ऐसे करके आपको बनाना होगा ये चीज। तो ऊपर एक डन के ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, देन से पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, ये जो शेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो, देन सेव टू गैलरी यहाँ पे क्लिक करने के बाद, मतलब ये वाला सिलेक्ट करो जो आप लोग सेव करना चाहते हो, जो थंबनेल आपने बनाया, देन ओके पे क्लिक करो, मतलब मेरे जो बैकग्राउंड यहाँ पे सेव हो चुका है। फोटोशॉप से बैकग्राउंड को क्रिएट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसी बैकग्राउंड को हम पिक्सल लैब में लेकर जाके वहाँ पे हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल को क्रिएट करेंगे, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ। एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको क्या करना होगा, एंड मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा उसके अंदर, जो टिप्स यूज करने के बाद गाइस आपका थंबनेल कते जाहिर लगेगा, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। सो गाइस पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके देन फर्स्ट में मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पे क्लिक करके जिस बैकग्राउंड को आपने बनाया फोटोशॉप से उसको यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इनपुट कर लिया, देन देखो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे रिमूव करना होगा, नहीं तो यार बहुत ज्यादा दिक्कतें करेगा एडिटिंग के समय। तो ये आप लोग बाद में भी लेकर आ सकते हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा बस। तो गाइस देखो आज मैं आपको जिस प्रोसेस सिखा रहा हूँ ऐसा प्रोसेस से आप लोग कुछ भी थंबनेल बना सकते हो, चाहे रोस्ट हो, चाहे टेक हो, चाहे कॉमेडी हो, पूरा सिंपल स्टेप में आप लोग बना सकते हो, वो भी बाय प्रोफेशनल। देखो यार यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड आ चुका है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरी मिनी ब्लॉग का कुछ स्क्रीनशॉट लगाना होगा, देन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, बस गाइस मेरे थंबनेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड कुछ पीएनजी वगैरह लगाऊंगा, बस गाइस मेरा थंबनेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे सारे के सारे स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे लेकर आएंगे, उसके बाद गाइस हम सारे एडिटिंग को करेंगे। अगर आपको मेरे जैसा थंबनेल नहीं बनाना है, आपके जैसा बनाना है, जो भी लगाना चाहते हो, चाहे कुछ फोटो वगैरह जो भी चीज है, तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो नीचे तीन नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक के साइड में, ठीक है, उसके बाद आपको इनपुट पे क्लिक करके, मतलब आपका जो भी चीज है उसको आप लोग यहाँ पे इनपुट करके लेकर आओ। जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा स्क्रीनशॉट है मेरी मिनी ब्लॉग का, उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेकर आऊंगा एक एक करके। तीनों यहाँ पे मेरे आ चुका है, ठीक है, तीनों मतलब मान लो मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक साइज का करेंगे, ऐसे करके छोटा छोटा करेंगे। तो मैंने इसको छोटा छोटा बना दिया ऐसे ऐसे करके। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हो इसका साइड में बॉर्डर नहीं है यार, अगर बॉर्डर लगाओगे तो यार बहुत अच्छा लगता है। फोटो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे जाऊंगा नीचे 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 नीचे, देन यहाँ पे देखो मिलेगा स्ट्रोक की बटन, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एनेबल करके ये जो स्ट्रोक है इसको 4 में रख देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तीनों को एक साइज पे लेकर आएंगे ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे तीनों को एक साइज पे लेकर आया, तो ये थोड़ा सा छोटा करना होगा मेरे को, बस ये थोड़ा सा छोटा करना होगा। अभी आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करना होगा, इस साइड पे मैंने इसको रोटेट कर दिया, एंड इसको भी थोड़ा सा इस साइज पे रोटेट कर दिया। इस वाला है इसको हम ऊपर लाएंगे, देखो यार मेरा ऊपर
नहीं आया तो ऊपर कैसे लाओगे, तो इसके ऊपर क्लिक करो, जो भी प्रोजेक्ट को आप लोग ऊपर लाना चाहते हो ठीक है, उसको ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा टू फॉन्ट, यहाँ पे देखो लिखा है टू फॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, देखो ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस तीनों फोटो को मर्ज करूंगा। तो मर्ज करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो आप लोग देख रहे हो ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे तीन मेरी फोटोस आ चुका है। तो यहाँ पे देखो नीचे राइट और क्रॉस का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके ये तीनों को टिक करके यहाँ पे देखो राइट की बगल में एक ऑप्शन है, देखो इस पे क्लिक करके देखो यहाँ पे मैं मर्ज कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो आप लोगों को मर्ज करना होगा सेम ऐसे। सो गाइस अभी मुझे शैडो डालना होगा ठीक है, तो शैडो कैसे डालूंगा, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सबसे नीचे, यहाँ पे मिलेगा शैडो, इसको मैं यहाँ पे एनेबल कर दिया। बस एनेबल करने के बाद ये जो ब्लर सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे फुल कर दूंगा, देन इसको सिलेक्ट कर लूंगा बस राइट। तो देखो शैडो यहाँ पे मेरे यहाँ पे लग चुका है बस कंप्लीट। उसके बाद हम सेम प्रोसेस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इसको ताला मार देंगे ताकि ये मूव ना करे। क्या करना होगा, नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा ठीक है, मतलब मिनी ब्लॉक एडिटिंग मुझे लिखना होगा एंड बहुत सारा काम करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, तो चलिए आप लोग देख लो। पहले यहाँ पे देखो आपको आना होगा ये वाला ए के सेक्शन के ऊपर, देन यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मतलब प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको न्यू टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर डबल टैप करो, तो यहाँ पे आप लोग जो चीज लिखना चाहते हो अपने थंबनेल के अंदर वो चीज आप लोग यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिनी ब्लॉग। ओके, तो डन करने के बाद यहाँ पे देखो डिलीट के पास है टीटी करके ऑप्शन से, इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम कैपिटल में कर दिया, बस इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन के ऊपर, देन यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर फिर से हम जाएंगे और लिखेंगे एडिटिंग, मिनी ब्लॉग एडिटिंग। अभी मुझे क्या करना होगा, ये जो टेक्स्ट आप लोग देख रहे हो कितना बेकार लग रहा है, मतलब पूरा सिंपल नूब नूब लग रहा है, तो इसको प्रो कैसे बनाओगे इस टेक्स्ट को, इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट का ए बी करके, इसके ऊपर क्लिक करके माई फॉन्ट पे आके मैं क्या करूंगा, ये जो फॉन्ट है ठीक है इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ये वाला फॉन्ट जो मेरा थंबनेल काफी देखने में अच्छा लगेगा ये वाला फॉन्ट लगाने के बाद। सो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दिया, बस देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कितना डिजाइन कितना मोटा हो चुका है। एंड सो नीचे का जो एडिटिंग का वाला जो फॉन्ट है इसको मुझे स्टाइल करना होगा, तो सेम प्रोसेस फिर से यहाँ पे जाओ फॉन्ट के अंदर ये बी के ऊपर जाके माई फॉन्ट पे जाके ये वाला जो फॉन्ट है ना ये आप लोग यहाँ पे लगा दो, बस देखो यार कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मिनी ब्लॉक है इसको हम कलर करेंगे, अगर आप लोग कलर नहीं करोगे तो पूरा बेकार लगेगा। तो मैं जाऊंगा कलर के ऊपर, देन यहाँ पे ये वाला येलो वाला जो कलर है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, हम इसको थोड़ा सा ये जो चीज है ना ये जो टेक्स्ट आप लोग देख रहे हो मिनी ब्लॉक इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, देन हल्का सा इसको रोटेट कर दूंगा बस ऐसे करके हल्का सा। एंड नीचे जो ये जो आप लोग देख रहे हो एडिटिंग वाला इसको भी आप लोग सेम ऐसे आप लोग लेवल पे लेकर आना, रोटेट करके ऐसे करके लेकर आना, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है आप लोग जस्ट यहाँ पे देखो। देन यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन ये दोनों को मैंने लॉक कर दिया। एंड जो मेरा फोटोज था जो मेरा मिनी ब्लॉक का जो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है उसको मैंने अनलॉक करूंगा, इस ताला को फिर क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दूंगा ताकि देखने में और भी अच्छा लगेगा। एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ऐसे करके, वाओ वेरी नाइस। इनपुट पे जाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं यहाँ पे लगाऊंगा काइंड मास्टर का लोगो ताकि गाइस मेरे थंबनेल देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं इसको यहाँ पे इस कॉर्नर में लगा दिया, इस कॉर्नर को यहाँ पे ढकना होगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करूंगा। एंड सिंपल सा प्रोसेस, मतलब आपको यहाँ पे ढक देना होगा ठीक है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। एंड दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ताला पे क्लिक करके लॉक लगा दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग और भी कुछ लगाना चाहते हो थंबनेल पे तो आप लोग लगा सकते हो, लेकिन गाइस इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको सिखाना चाहूंगा और भी सारे चीज, मतलब वीडियो मुझे 10 घंटा करना होगा, उसके बाद ही आप लोग सीख पाओगे पूरा जो भी आज मैं आपको सिखाया, वो प्रोसेस से आप लोग कुछ भी कर सकते हो ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस। तीन नंबर पे आके जो ड्रॉ वाला इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, व्हाइट वाला क्लिक कर दूंगा, व्हाइट वाला क्लिक करके जो पेन साइज आप लोग देख रहे हो इसको हम करेंगे 4 कर दूंगा, देन इसको हम यहाँ से एक दाग मार देंगे ऐसे करके। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरी थंबनेल। तो गाइस अगर आपको और भी कुछ लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो सिंपल प्रोसेस से, वैसा ही सेम टू सेम, मतलब अगर आप लोगों को दिखाने जाऊंगा तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगा लेकिन यार सेम प्रोसेस वैसा ही होगा। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये जो शॉर्ट्स वाला चीज है मतलब पीएनजी है तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। एंड सो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देन शैडो पे जाके इसको एनेबल कर दूंगा। सो गाइस अभी आपको सेव कैसे करना होगा, एचडी क्वालिटी में सेव कैसे करोगे, तो फिर से आपको ये कॉर्नर पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे देखो 4 नंबर पे लिखा है एक्सपोर्ट इमेज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देन क्वालिटी पे जाके यहाँ पे जो डिफॉल्ट है इसको आपको यहाँ पे अल्ट्रा कर देना होगा। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी ऊपर यहाँ पे क्लिक करके अपने थंबनेल को यहाँ पे सेव कर देना होगा ठीक है। सो फाइनली हमारा थंबनेल का काम खत्म, मतलब हमारा 90% काम कंप्लीट, पूरा टोटल काम कंप्लीट हो गया हमारा थंबनेल का। अभी आप लोग यहाँ पे देखो कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है थंबनेल के अंदर, मतलब हमको यहाँ पे थंबनेल को मेकअप करवाना होगा, मतलब सुंदर तो दिखाना होगा ना, तो सुंदर दिखाने के लिए आपको कलर ग्रेडिंग करना होगा। कलर ग्रेडिंग के समय मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जो टिप्स यूज करने के बाद आपको थंबनेल भाई
चांद चांद लग जाएगा इतना हाई क्वालिटी में। नॉर्मल थंबनेल को लाइटरूम पे इंपोर्ट करने के बाद अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसी थंबनेल को आप एकदम हाई क्वालिटी में बना सकते हो, पूरा 4K क्वालिटी। और कलर ग्रेडिंग आप लोग देखोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो फिल्टर मतलब जो प्रीसेट मैंने सबसे पहले यूज किया था उसको जाके फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे। इस फाइल को, रॉ फाइल को मैंने कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद फिर से जो मेरा थंबनेल इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा एंड ओपन करने के बाद इसके ऊपर पेस्ट करूंगा और आपको देखने को मिलेगा भाई खतरनाक रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरी थंबनेल भाई क्या ही लग रहा है, लेकिन भाई उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड ऐसे चीज मैं आपको दिखाऊंगा ना, कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएगा और नहीं सिखाएगा आपको। तो आपको जाना होगा यहाँ पे एडिट के सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा प्रोसेस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था क्या क्या आपको कम करना होगा, ज्यादा करना होगा, तो सिंपल सा प्रोसेस आपको वही करना होगा। ब्लैक का जो ऑप्शन है ब्लैंक, ठीक है, इसको आप लोग क्या करना 75 कर देना, 75। तो इसको आप लोग करो 75 या फिर 70 रख दो, ठीक है, इसको 70 रखो, मैं 70 रखता हूँ इसको। ये जो एक्सपोजर है, ठीक है, इसको आप लोग क्या करो यहाँ पे 0 कर दो, 0 जैसे आपका नॉर्मल था वैसे आपको इसको करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 0। तो 0 करने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना होगा कलर की ऑप्शन के ऊपर। कलर की ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऊपर फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग पे देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, ये सारे के सारे जो कलर रहेगा, ठीक है, आपका थंबनेल कौन सा कलर का होगा ये मुझे नहीं पता, आप लोग उसी का हिसाब से आप लोग क्या करना, जस्ट ये जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला, इसको आपको जस्ट यहाँ पे हाई करना होगा, मतलब इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब देखो जो ब्लू कलर मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो मेरा स्काई देखो पूरा ब्लू हो गया थंबनेल का। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लाइट को हम बढ़ाएंगे ऐसे करके, इसको मैं रखूंगा 40। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे टेस्ट करना होगा अपने थंबनेल के अंदर। तो यहाँ मैंने बढ़ा दिया, देन यहाँ पे ग्रीन को हम बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको बढ़ाना होगा। तो येलो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, नहीं तो फेस मेरा खराब हो जाएगा पूरा। तो इसको मैंने 60 रख दिया एंड रेड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ से फुल नहीं बढ़ाएंगे नहीं तो यार फेस पूरा खराब हो जाएगा। आपको हल्का हल्का से इंक्रीज करके आपको देखना होगा आपका थंबनेल कितना क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो गाइस मेरा थंबनेल कितना हाई क्वालिटी में बन गया। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, मेरा थंबनेल के अंदर और कुछ भी कलर नहीं है, सारे के सारे कलर मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अभी दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसी थंबनेल को 4K क्वालिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे वही सीक्रेट अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बिफोर एंड आफ्टर देखो कितने ज्यादा डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देखो, जस्ट आप लोग देखो डिफरेंस देखो भाई सब कहते जहर लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कलर ग्रेडिंग। अभी आपको इसको 4K क्वालिटी में करना है। तो 4K क्वालिटी में करने के लिए आपको जाना होगा थोड़ा सा ऊपर, देन यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो अमाउंट है ना इसको आपको यहाँ पे हाई कर देना होगा। सो हाई करने के बाद आप लोग जस्ट यहाँ पे रिजल्ट देखो भाई सबका तो जहर लग रहा है। आप लोग जस्ट गाइस यहाँ पे देखो, आप लोग जब एडिटिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई सुबह भाई सही चीज बुलाया और सही चीज हम लोगों को सिखाया। तो देखो मेरा थंबनेल प्रॉपर तरीके से कलर ग्रेडिंग पूरा मेकअप हो चुका है। तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा शेयर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो तीन आइकॉन के बगल में ये शेयर वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके सेव कॉपी टू डिवाइस, मेरा थंबनेल यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। फाइनली आज मैं आपको मेरी जैसा थंबनेल बनाना सिखा दिया। लेकिन गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको क्या बोला था, इस वीडियो के अंदर आपके लिए दो सरप्राइज है जिससे आपका थंबनेल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा चांद चांद लग जाएगा। सबसे पहले जो सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूँ वो है फॉन्ट पैक, जो फॉन्ट पैक मैं यूज करता हूँ खुद, जिसके अंदर 700 प्लस फॉन्ट है गाइस, जो आप लोग पिक्सेल लैब में आप लोग यूज कर सकते हो। उस फॉन्ट का पैक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ऐड नहीं करना आता है कैसे फॉन्ट को ऐड किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक उस फॉन्ट का लिंक के नीचे रहेगा, ठीक है, आप लोग देख लेना अगर आपको नहीं लगाना आता है तो। एंड दो नंबर सरप्राइज है गाइस, जो आप लोगों ने देखा ना मैं लाइट रूम पे जस्ट एक चीजों को कॉपी करके पेस्ट किया था जिससे हमारा थंबनेल पूरा चांद चांद लग गया था गाइस, वो है प्रीसेट। वो प्रीसेट का लिंक भी गाइस मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। दोस्तों इस वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा, आप लोग जस्ट यहाँ पे देखो कितने सारा मैंने यहाँ पे शूट किया भाई, बता नहीं सकता हूँ। 2-3 घंटा लगातार बात करते जा रहा हूँ मेरे दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से सिखाऊंगा और आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, इसी चक्कर में मुझे गाइस बहुत ज्यादा शूट करना पड़ता है। तो यार प्लीज यार मेरी मेहनत के लिए तो एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन रहेगा उसको आप लोग घंटा को ऑन कर देना, ठीक है। एंड जाते जाते आप लोगों को ये बोलूंगा प्लीज यार अपने मम्मी पापा को ख्याल जरूर से रखना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।